राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फोन कर रहे थे कि भाई रुक जाओ, किसी तरह 3-4 दिन रुक जाओ, हमारे विधायकों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। प्रयास तो उनका एजेंट नहीं बचा, एक वो एजेंट था जिसको नीतीश कुमार जी पहचान लिए, पीछे से चल जाइए आप, लड़ जाइए लोजपा से, चल जाइए आप, लड़ जाइए लोजपा से, आप टिकट ले लीजिए लोजपा से, ये सब काम करते रहे। आज जैसे ही चुनाव सब हार गया लोजपा से, सबको कह के आ जाइए भाजपा में, आ जाइए भाजपा में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, ऐसा विधायकों को, हमारे विधायकों को कोई नहीं तोड़ पाएगा, एक बार बता देते हैं, हमारे विधायकों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। प्रयास तो राष्ट्रीय जनता दल पर कल कर रहे थे, आपका तो कुछ कुछ संबंध सब जगह है मनीष जी, पता लगा लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फोन कर रहे थे कि भाई रुक जाओ, किसी तरह 3-4 दिन रुक जाओ, तो ये सब काम वो लोग उधर करते हैं, इधर कोई उनका एजेंट नहीं बचा, एक वो एजेंट था जिसको नीतीश कुमार जी पहचान लिए और विदा कर दिए, बेटिकट कर दिए। अब तो बेटिकट कर दिए तो अब कहां उनका कौन एजेंट यहाँ बचा है जिससे वो प्रयास करते। बोलिए और इनकम टैक्स CBI और ED से हम लोग को क्या लेटर लगेगा, हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं, हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जितना ही भी CBI या ED लगाना है लगा ले, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग का आमदनी हम लोग का कृषि से है, हम लोग का आमदनी हम लोग के वेतन से है, हम लोग का आमदनी जो घर है उसके किराया से है, इसके अलावा कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। उनको जितना ईडी लगाना है लगा दें। ठीक कहा नीतीश जी ने, ठीक कहा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये भी एक साजिश था कि पुराने जितने लोग थे उस सबको हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग में नंदकिशोर जी, सुशील जी, सबको विदा कर दो, नया लोगों को ले आओ, ताकि अनर्गल बयान सब नीतीश जी को के खिलाफ देता रहे और वहां से हम लोग कहें कि देखिए हम लोग 2024 में भी और 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इधर कह दिया कि देते रहो तुम लोग जारी रहो, जैसे लोग विधानसभा के 2020 के चुनाव में कह दिया कि हम लोग एकदम गठबंधन मां, हम लोग का राष्ट्रीय NDA जो है इंटैक्ट है, और दाएं पीछे से चल जाइए आप, लड़ जाइए लोजपा से, चल जाइए आप, लड़ जाइए लोजपा से, आप टिकट ले लीजिए लोजपा से, ये सब काम करते रहे। आज जैसे ही चुनाव सब हार गया लोजपा से, सबको कह के आ जाइए भाजपा में, आ जाइए भाजपा में, आ जाइए भाजपा में, यही सब काम करते रहे। कोई परिस्थिति नहीं बनी थी, हमने तो अभी बता दिया, आप सुने नहीं, ये 4 आदमी थे लगे हुए, उसमें संजय जाजी भी थे।